नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनईपी का उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। ये सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है। देशभर में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि से जुड़े 3 बिल अब राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। इसको लेकर भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। व्हिप के अनुसार सांसदों को सदन में उपस्थित रहना जरूरी होगा। इसका उल्लंघन करने वाले सांसद की सदस्यता तक जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता का मकसद कंपनियों को चालू रखना है, उसे बंद करना नहीं। उन्होंने कहा कि आईबीसी अच्छा काम कर रही है और अपने मकसद को पूरा करने में सफल रही है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2020 पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। केंद्र की तरफ से लाए गए कृषि बिलों पर मचे बवाल के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल किसानों के लिए लाभदायक है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इन बिलों से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि अब किसान मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसका भुगतान तत्काल या 3 दिन में करना होगा। संसद का मानसून सत्र तय समय से पहले खत्म हो सकता है। इसके पीछे सांसदों में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को माना जा रहा है। इसके अलावा संसद सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी संक्रमण फैलने का खतरा है। आपको बता दें कि अब तक संसद के मानसून सत्र में आने वाले 30 सांसदों में कोरोना संक्रमण पाया जा चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि स्वराज और राष्ट्रवाद का सीधा संबंध अहिंसा से है। भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी क्रूरता, हिंसा और धार्मिक संप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता है। राहुल के इस वीडियो में स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस की भूमिका, अहिंसा और राष्ट्रवाद की चर्चा की गई है। सुशांत केस में ड्रग एंगल आने के बाद एनसीबी ने किशोर सेट्टी को गिरफ्तार किया है। किशोर पर ड्रग रखने और सप्लाई करने के कई आरोप लगे हैं। बता दें कि किशोर एक चर्चित डांसर है और रेमो डिसूजा की फिल्म में काम कर चुका है। किशोर रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में भाग लेने के दौरान सुर्खियों में आया था। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज या कल भाजपा नेतृत्व से हरी झंडी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे को सफल बताते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि यह प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले पूरी हो जाए, लेकिन सब कुछ पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने किसी संबंधी विधेयकों के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हर पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसानों के साथ है या फिर कृषकों की जीविका को खतरे में डाल रही भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के साथ किए गए वादों को भाजपा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने मांग की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय मदद दी जाए, जिससे वे कोरोना महामारी के कारण चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के पीछे स्कूलों का मकसद फीस वसूलना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन आदि की सुविधा नहीं है। एनआईए ने पाकिस्तान के अलकायदा संगठन पर एक और बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने कहा है कि दहशतगर्दों ने दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया से अपना नेटवर्क खड़ा किया है। अलकायदा ने इसी प्लेटफॉर्म पर कट्टरपंथियों को अपने साथ जोड़ा है, फिर इसी के जरिए कई तरीकों से ट्रेनिंग दी गई ताकि वारदात को अंजाम दिया जा सके। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसान मंडी से बाहर भी अपने उत्पाद बेच रहे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। स्वदेशी जागरण मंच ने पीएम मोदी से कहा है कि एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। किसी को भी किसानों की उपज एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर सपा सांसद जया बच्चन के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोगों द्वारा हमें गूंगा बहरा बनाने के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि देश के स्वच्छता अभियान में हर तरह की गंदगी साफ होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत आदमी अपने घर से ही करता है।
एयर इंडिया अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड और टीडीएस सहित कई पेमेंट जमा नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कोरोना संकट और कर्ज का बोझ बताया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। फिलहाल एयर इंडिया के पास पैसों की कमी होने का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह कल लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में पेश होंगे। संजय सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों में रविवार को हजरतगंज पुलिस थाने में गिरफ्तारी देंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हजरतगंज पुलिस थाने में आप नेता के विभिन्न धाराओं के तहत 2 सितम्बर को मामला दर्ज किया गया था। अयोध्या में रामलीला को डिजिटल रूप से उतारने की तैयारी चल रही है। इसे उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में दिखाया जाएगा। इस बार अयोध्या की रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन हिस्सा ले रहे हैं। इसका मंचन अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किला में 17 से 25 अक्टूबर के बीच होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस और सेना की संयुक्त ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जवानों ने उनके पास से हथियार, गोला बारूद और नकदी बरामद की है। तीनों दहशतगर्द कश्मीर घाटी के पुलवामा और शोपियां के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में भी कृषि विधेयक के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जबरन कृषि विधेयक थोपा गया तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधेयक को किसी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अभ्यर्थी हताश और परेशान हैं। उनके रोजगार के हक का सम्मान करते हुए उन्हें तत्काल नियुक्ति दी जाए। प्रियंका ने कहा है कि एक तो इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ऊपर से कोरोना महामारी में उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने पत्रकार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि पत्रकार के कब्जे से सेना से संबंधित कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। राजीव के साथ ही एक चीनी और नेपाली महिला भी गिरफ्तार हुई है, जो उसे फर्जी कंपनियों के जरिए मोटा पैसा देती थी। राजस्थान में आज से ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही इसी दिन 3 बजे तक नाम वापस लेने का अंतिम समय होगा। इसके बाद 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तत्काल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन और कोरोना टेस्ट किया। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं उनकी दूसरी जाँचें भी की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया है कि श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही मास्टर प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा। सीएम ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को पीएम मोदी देख चुके हैं। पहले चरण का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नागालैंड के विद्रोही समूह NSCNIM ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। NSCNIM ने अलग ध्वज और संविधान की मांग की है, जिसके चलते नागा शांति वार्ता में एक बार फिर अड़चने आती दिखाई दे रही हैं। NSCNIM का कहना है कि बिना अलग झंडे और संविधान के केंद्र के साथ शांति समझौते का समाधान नहीं निकलेगा। महाराष्ट्र सीएम ठाकरे पर हमलावर रहने वाली कंगना रनौत ने यूपी सीएम योगी की तारीफ की है। कंगना ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सराहना करती हूं कि उन्होंने फिल्म सिटी बनाने की बात कही है। इससे यूपी में फिल्म उद्योग बढ़ेगा। जैसे कि दक्षिण भारत में फिल्म उद्योग सफल है, जबकि लोग मुंबई फिल्म उद्योग की ही चर्चा करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना की कैंटीन में स्वदेशी सामान बेचने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया है कि सेना की कैंटीन में स्वदेशी सामान बेचने पर कोई फैसला नहीं किया गया है। फिलहाल सेना की सभी कैंटीन में पहले की तरह हर ब्रांड का सामान मिलता रहेगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि लव जिहाद एक साजिश है। इसके तहत भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। खासकर यूपी में विगत कई महीनों से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं। इन्हें रोकने के लिए यूपी सरकार कानून लाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार पर बढ़ते कर्ज और कुल देनदारियों पर सार्वजनिक ऋण प्रबंधन ने त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि केंद्र पर जून 2020 के अंत तक देनदारियां बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जबकि पिछले साल जून में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपए था। साथ ही इसके और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करने वाले जनजाति और सहरिया समुदाय को तोहफा दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार मुफ्त कोचिंग सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए 30 छात्रों का चयन किया जाएगा, इसमें 20 छात्र और 10 छात्राएं शामिल होंगी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच हरियाणा में सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाजत देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं स्कूल में आने वाले टीचरों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच होगी। शिक्षकों को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। बिहार में आए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इशारों में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने बिहार के युवराजों और केंद्र के युवराज पर भी कटाक्ष किया है। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से सीट बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने टाल मटोल कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, सीट बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका ने रूसी सेना के साथ हुए संघर्ष के बाद पूर्वी सीरिया में अतिरिक्त सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है। अमेरिका के केंद्रीय कमांड के प्रवक्ता ने बताया है कि पूर्वी सीरिया में रडार सिस्टम भी भेजा गया है। अमेरिकी और गठबंधन सेना की बेहतर सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। यूपी के बाराबंकी में गौशाला खुलवाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसमें फर्जी संस्था के जरिए लाखों रुपए का अनुदान देने का लालच दिया जाता है। इसके बदले उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी करते थे। हनुमान मंदिर के महंत फलाहारी बाबा भी ठगी के शिकार हुए हैं। बाबा की शिकायत पर पुलिस ने ठगों की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय सेना में 30 सालों तक सेवा देने वाला पोत विराट आज अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हो गया है। विराट मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात में भावनगर जिले के अलंग के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि श्री राम समूह ने जहाज को नीलामी में खरीदा है। ये ऐतिहासिक पोत ब्रिटेन की शाही सेना से लेकर भारतीय नौसेना में शामिल रहा है। झारखंड में इस बार के 10वीं और 12वीं परीक्षा के टॉपर्स को पुरस्कार में आल्टो कार मिलेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया है कि झारखंड के टॉपरों को पुरस्कार करने के लिए 23 सितंबर को कार्यक्रम होगा। इसका आयोजन झारखंड विधानसभा के रांची परिसर में होगा। इसमें टॉपरों को आल्टो कार पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शन में देश तोड़ने का बयान देने वाले शरजील इमाम को लेकर अलीगढ़ पहुंची है। पुलिस ने अलीगढ़ कोर्ट में इमाम को पेश किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस अलीगढ़ कोर्ट से तिहाड़ जेल वापस रवाना हुई। बता दें कि अलीगढ़ कोर्ट ने भी देशद्रोह के एक मामले में वारंट जारी किया था। कर्नाटक में स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान नियमित कक्षाएं नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि छात्र छात्राएं सिर्फ अपनी पढ़ाई से जुड़ी दुविधाओं को दूर करने के लिए कैंपस आ सकते हैं। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को ही कैंपस आने की छूट दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने IES और ISS परीक्षा 2020 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। UPSC ये परीक्षाएं 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को कराएगी। इस वर्ष की IES और ISS परीक्षा कई शिफ्टों में देश भर में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इस परीक्षा के जरिए IES की 15 और ISS की 47 सीटें भरी जाएंगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 31,661 पदों पर एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती की छूट दे दी है। योगी सरकार अब भर्ती की प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरी करेगी। इसके बाद वे बचे पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद होगी। केंद्र सरकार ने सियाचिन में तैनात सैनिकों के खाने की पौष्टिकता में किसी भी तरह की कमी से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में सरकार से सवाल किया था कि क्या सियाचिन में तैनात सैनिकों की कैलोरी में 82% तक की कमी आई है। इसके लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महामारी समेत अन्य जैविक आपात स्थिति को लेकर एक समग्र प्रणाली विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में विधि विभाग ने राज्यों के विचार जानने का सुझाव दिया था। हमें सिर्फ 4 राज्यों से सुझाव मिले हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना में कमी का दावा किया है। अगले सप्ताह तक इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को संक्रमण की दर 6.76% रही। बीते 2-3 दिन में ये 7% से नीचे रही। पिछले सप्ताह ये लगभग 8% थी।
फिच सॉल्यूशंस ने अनुमान जताया है कि 2020 में भारत की ईंधन मांग में बड़ी कमी आएगी। ये कमी 11.5% घटेगी। फिच के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2020-21 में जीडीपी में 8.6% की गिरावट आएगी। पहले उसने अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। टिकटॉक वीचैट पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने की घोषणा से चीन बौखला गया है। चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि चीन ने इस बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया कि वो किस तरह के कदम उठाने की तैयारी में है। बता दें कि भारत भी चीन के कई ऐप पर रोक लगा चुका है। देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यादव की 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें करीब एक दर्जन प्लाट, मकान, ईट भट्टा, अंडा फॉर्म के अलावा 2 और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। देवरिया के दीपक मणि का अपहरण कर राम प्रवेश यादव ने उसकी 10 करोड़ रुपए की जमीन जबरदस्ती अपने नाम करा ली थी। शिवसेना ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि पर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सरकार हवाई अड्डों, एयर इंडिया और रेलवे का निजीकरण कर रही है। किसानों के जीवन का नियंत्रण व्यापारियों और निजी क्षेत्र को दे रही है। बिजनौर पुलिस ने सपा नेता और नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान के घर छापेमारी की। मन्नान के घर पर गोकसी का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। भागे आरोपियों में नगर पालिका चेयरमैन भी शामिल हैं। पुलिस ने कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। बाधा बसपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बसपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिले में पूरी तरह से खाद्य आपूर्ति व्यवस्था की जाए, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। हरदोई में फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां दूसरे प्रदेश की 3 हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवकों ने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद शादी और रोजगार का झांसा देकर छत्तीसगढ़ से हरदोई बुला लिया। असलियत जानने पर युवतियों ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवतियों से जेवर और रुपए छीन कर तीनों फरार हो गए। विश्व हिंदू परिषद के दखल के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।